करनाल जिले के आड़तियों ने हड़ताल करने का फैसला वापस ले लिया है। आड़तियों ने एसडीएम से मीटिंग के बाद हड़ताल को वापस लेने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि आड़तियों द्वारा आज बुधवार को हड़ताल करने का ऐलान किया गया था। आड़तियों के ऐलान के बाद जिला प्रशासन की सांसें फूली हुई थी, जिसके चलते जिला प्रशासन ने आड़तियों से मीटिंग की। बता दें कि जैसे ही करनाल जिले के लगभग 1500 आड़तियों ने यह ऐलान किया कि वह 22 अप्रैल से हड़ताल पर जा रहे हैं, तो करनाल जिला प्रशासन ने आज आड़तियों के साथ मीटिंग बुलाई। इस दौरान आड़तियों की जो भी मांगे थी उनको मान लिया गया, जिसको लेकर आड़ती गेहूं खरीद कार्य को आज से चालू करने पर राजी हो गए। रजनीश चौधरी मंडी प्रधान ने बताया कि जिले में आज से हड़ताल शुरू हो गई थी, परंतु एसडीएम की मीटिंग के बाद अब हड़ताल समाप्त हो गई है। अब पहले की तरह ही गेहूं खरीद रूटीन में शुरू कर दी जाएगी। देखिए एक रिपोर्ट। किसान हमारे आना चाहते हैं यहाँ पर मंडियों में, उनको मैपिंग तो हो रही थी उनकी, लेकिन उनका पोर्टल नाम नहीं उठा रहा था। हमारी 2-3 दिन से बात चल रही थी, लेकिन कल सीए साहब से बात हुई लंबी, तो कल एसडीएम साहब मौके पहुँचे। इन्होंने बड़ा प्रयास किया, उन्होंने पोर्टल में कुछ तब्दीलियाँ की हैं, जिसमें जो जॉइंट अकाउंट्स थे, वो जो जॉइंट खाते थे, मुस्तर खाते जिसको बोलते हैं, वो नहीं उठाता था। इन्होंने कुछ तब्दीलियाँ की हैं, अब वो उठाने लग गए हैं। अब वो जिसके भी नाम उसमें रजिस्टर्ड हो गए, वो सबको उनके नाम आएंगे किसानों के, और जो किसान रजिस्टर्ड नहीं है वो भी मौके पर रजिस्टर्ड हो जाएंगे। तो आप हड़ताल खोल दी गई है? हाँ, हमें कोई हड़ताल करने का वो नहीं था, हमें तो ये था कि किसान आने चाहिए, किसान जितने उनको तंगी ना हो। हम तो किसानों के लिए थे कि किसानों को तंगी ना हो। आपकी मांग थी डायरेक्ट खाते में पैसे आने चाहिए? वो तो आएंगे, हमारे अकाउंट्स में आएंगे, तो हमारे पुराने अकाउंट्स में पैसे आएंगे। तो सर क्या दिक्कत क्या हुई थी जो सभी अनाज कुंजपुरा तक मैसेज देना चाहेंगे, सभी आड़तियों को जुंडला तक मैसेज दे संत तक? वो यही था कि किसान जो था तंग थे, एक किसान आता था एक आता नहीं था, उनकी मैपिंग नहीं हो रही थी, उनका नाम नहीं आता था पोर्टल में। हम ये चाहते थे कि कम से कम किसान को एंट्री होने दे, आप चाहे दूसरे गेट पास इशू कर दो, लेकिन उन्होंने अब उसको सॉल्व कर दिया। जो भी किसान होगा, जो हमारे हरियाणा का किसान होगा, अभी वो उसमें उनका नाम आएगा और वो अंतर। थोड़ी डिमांड्स थी कि सॉफ्टवेयर में इश्यूज आ रहे थे, जिस कारण से परचेज करने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी। उन इश्यूज का संज्ञान लेते हुए कल ही हेडक्वार्टर से बात करके उन जो इश्यूज थे सॉफ्टवेयर में रिजोल्व करवा दिए गए हैं। अब जो परचेज है बिल्कुल स्मूथ चल रही है और उसमें कोई इश्यू नहीं आ रहा। तो क्या सर समस्या क्या क्या थी इनको, किसानों के नाम नहीं ऐड हो रहे थे, वेब पोर्टल में दिक्कत थी? देखिए, पोर्टल में लिंकिंग और मैपिंग के इश्यूज थे, शेड्यूलिंग जिस कारण प्रॉपर नहीं हो पा रही थी, परंतु वो अब सारे जो इश्यूज थे रिजॉल्व हो चुके। तो एक ट्राली एक किसान की मांग जो नीति चला रही थी उस पर भी एतराज हो रहा किसानों का? नहीं, ऐसी नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो किसान का शेड्यूल है वो किसान अपनी फसल लेकर आ सकते। तो 400 आड़ती हैं और 300 खाली बैठे रहते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे? देखिए, इस महामारी के समय में ये हमारा फर्ज भी बनता है, कर्तव्य भी बनता है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग एंश्योर करें। एक एक दाना खरीदा जाएगा, जैसे कि सरकार के दिशा निर्देश भी हैं, और उसमें किसी तरह की कोई कोताही भी नहीं बरती जाएगी, परंतु इस महामारी के समय में सोशल डिस्टेंसिंग टॉप प्रायोरिटी। सर करनाल की मंडी तो बहुत बड़ी है, खाली पड़ी है सारी, 50 ट्रॉली में क्या होता है? देखिए, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है, जितना ज़्यादा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन और जो हेडक्वार्टर की तरफ से गाइडलाइंस आएगी उसके अनुसार किया है। एसडीएम साहब, सिरसी का एक मामला पॉजिटिव आया था, वहाँ के किसानों के फोन आ रहे हैं कि उनका गांव सील किया गया, उन्होंने फसल काटनी है, फसल में आग लग सकती है, डर है, उनको कब तक रियायत दी जाएगी फसल? देखिए, सिरसी का ये मामला हमारे संज्ञान में आया है। इस संबंध में जो हमारे तहसीलदार साहब हैं उन्होंने एक मीटिंग भी करी है, और मोस्ट प्रोबेबली हम इस तरह से उनका प्लान करेंगे कि वो कंटेनमेंट जोन में रहते हुए उनकी फसलों का सही निस्तारण जिला प्रशासन की तरफ से। बिजपुर और शेखपुरा दो गांव और है जो कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए हैं, उन दोनों के किसानों से ऑलरेडी बात हो चुकी है, उनकी स्टोरेज कर दी गई है, उनको जगह भी दे दी गई है, अगर जगह कम पड़ेगी तो और कोई प्लेस आइडेंटिफाई करके कर दिया। तो वहाँ के दोनों मामले पॉजिटिव आ चुके हैं, कब तक खोला जाएगा, 14 दिन का गैप रहेगा? देखिए, WHO की गाइडलाइंस के अनुसार 28 दिन का गैप रहता है, तो 14 दिन तो उनके कम्प्लीट हो चुके हैं, और जैसे ही 28 दिन कम्प्लीट होंगे उनको खोल दिया। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.